हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग। तो आज मैं करने वाला हूँ अपनी बाइक के चैन क्लीनर से, और फिर उसे चैन लूप करूँगा जो कि मेरे पास मॉड्यूल का है। मेरी बाइक हो चुके हैं 1000 किलोमीटर पूरे, और सर्विसिंग हुई थी उसके 500 किलोमीटर पे, और अभी मैं मथुरा वृंदावन गया था लास्ट वीक। तो उसके बाद अब मैं, मेरे पास मॉड्यूल नहीं था तो मैंने अमेजोन से मंगाया, एंड देन मैं चैन क्लीन और चैन लूप करता हूँ। आपको दिखाता हूँ मैं कि मीन से कैसे चैन क्लीन करते हैं और कहाँ कहाँ हमें मीन्स कैसे ल्यूब लगाना चाहिए अपनी बाइक की चैन पे। तो हमेशा अपने टूल्स का यूज करें जो आपके बाइक्स के साथ और टूल्स आते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या क्या साफ करना है, और पहले बाइक में क्या खोलना, कौन सा पार्ट खोलना है आपको। तो जो ये पार्ट दिख रहा है आपको, ये वाला पार्ट, ये तो हो गया यहाँ पे चैन। और जो ये पार्ट है, ये वाला पार्ट, आपको ये दो नट्स खोलने हैं ताकि जो यहाँ पे चैन घूमती है तो इसको भी आप निकाल के यहाँ से इजीली साफ कर पाएँ। और मैं दिखाता हूँ आपको, जो मेरे पास ये है मेरा मॉड्यूल एक, एंड सेकंड है चैन क्लीनर मॉड्यूल का, और ये है तीसरा ब्रश। एक डोमिनर में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इसमें डबल स्टैंड नहीं है, इसमें बस सिंगल स्टैंड होता है, साइड स्टैंड जो ये वाला, और जिसकी वजह से पूरा रोटेट नहीं कर पाते चैन। तो इसके लिए एक पिट स्टॉपर आता है, पिट स्टॉप करके, तो अमेजोन पे 1000-2000 रुपये का मिलता है, जिसमें पीछे का टायर में लगा के आप इजीली टायर घुमा सकते हैं। लेकिन मैंने वो नहीं लिया, बजट नहीं था अभी, तो मैं नॉर्मली बाइक को आगे करते करते फिर चैन क्लीन करूंगा। तो चलिए फिर इस पार्ट को खोलते हैं जो मैंने आपको दिखाया था। तो मैंने ये वाला पार्ट्स निकाल चुका हूं मैं इसको, तो ये वाला पार्ट्स मैं निकाल चुका हूं, और ये वाला पार्ट्स फिर आपको यहां दिखेगा, तेरा आप देख पा रहे होंगे कि नहीं, कि यहाँ पे बहुत सारा कचरा हो चुका है। ये जो काला काला है, ये सब वेस्टेज है। तो जो डोमिनर बाइक्स और जो दूसरी बाइक्स है, उसमें हर 300-400 या मैक्सिमम 500 पे आपको अपने आप चैन क्लीन करनी ही पड़ती है, अगर आपको लंबी लाइफ चाहिए तो चैन की। तो चलिए फिर पहले चैन क्लीन करेंगे, दैन फिर ल्यूब करेंगे। तो मेरे पास ये है मॉड्यूल का चैन क्लीनर, और मैं आपको बता दूं कि जब भी आप चैन क्लीन करेंगे तो इसको यहाँ से ऊपर से भी चैन क्लीन करेंगे और नीचे से भी, लेकिन जब आप ल्यूब करेंगे, ल्यूब हमेशा आप यहाँ से करेंगे और नीचे के साइड से, अगर यहाँ ज़मीन यहाँ से करेंगे तो जो बाइक चलाते हुए डस्ट पकड़ेगा बहुत, इसलिए हमेशा ऊपर की साइड से करें ताकि वो रोटेट होते रहे और वो नीचे की डस्ट ना पकड़े। तो चलिए पहले चैन क्लीन करते हैं। तो मैं चैन क्लीनर लगा लिया, और अब मैं इस ब्रश से साफ करने वाला हूँ इस चैन को, लाइक ऐसे। तो फाइनली मैंने चैन पूरी क्लीन कर ली है, ये मेरी चैन पूरी क्लीन हो गई है। ये वाला पार्ट्स मैंने खोला हुआ है, एंड मेरी चैन पूरी क्लीन हो गई है। ये देखिए, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं टच हो रहा, क्योंकि सारी डस्ट सब कुछ ख़त्म हो चुका है। पहले मैंने चैन क्लीनर से साफ़ किया, फिर जो ब्रश आता है उसे साफ़ किया, दैन एक कपड़े से मैंने इसको साफ़ किया, और इसे 10 मिनट के ऐसे ही रहने देते हैं ताकि ये सूख जाए, एंड इसके बाद फिर हम इस पर अप्लाई करेंगे चैन ल्यूब। इसके बाद हम इस पर चैन ल्यूब लगाएंगे 10 मिनट बाद। मैंने चैन क्लीन कर ली है, और अब मैं जा रहा हूँ चैन ल्यूब। बस ये मॉड्यूल का चैन ल्यूब है जो मैंने अमेजोन से मंगाया था, 599 का मुझे चैन ल्यूब और चैन क्लीनर मिला विद जो ब्रश जिससे मैंने साफ़ की थी बाइक की चैन, और ये आपका 150 ml है। लेकिन मैं आपको एडवाइस या सजेस्ट करूँगा कि अगर आपके पास डोमिनर है जिसका सिंगल स्टैंड या अदर डोमिनर में,
तो आपको पिट स्टॉप लेना बहुत ज़रूरी है। वो आपके पीछे के टायर पे लग के वहीं टायर रोटेट होता है, नहीं तो आपको फिर मेरी तरह बाइक आगे पीछे करके चैन साफ़ करनी पड़ेगी और चैन ल्यूब लगाना पड़ेगा। वो बस वन टाइम इन्वेस्टमेंट है आपका, 1000 रुपये का पिट स्टॉप फॉर मतलब आपके कॉम्फी के लिए ही है। चलो फिर चैन ल्यूब लगाते भाई। आपको जो चैन ल्यूब लगानी है वो मैं बताता हूँ कि आपको कैसे चैन ल्यूब लगानी है और किस साइड से आपको चैन ल्यूब लगाते हैं बाइक में, अगर आपको खुद लगाना है तो। ल्यूब जो आपको है आपको यहाँ से ऊपर के साइड से करना, माना आपको यहाँ से नीचे की साइड से नहीं, अगर आप नीचे की साइड से मारेंगे तो वो नीचे की साइड जाएगा और नीचे की साइड डस्ट पकड़ेगा, तो आपको हमेशा ऊपर की साइड से मारना है। तो मैंने अपनी बाइक ल्यूब कर दी है, पहले मैंने चैन क्लीन की, फिर देन मैंने चैन ल्यूब लगाया उस पर, और मैंने बता दिया आपको कि कैसे ल्यूब लगाना है बाइक की चैन में। तो मैं ये वीडियो अपना यहीं पे एंड करता हूँ, और उससे पहले मेरा वीडियो जाएगा वो है मथुरा वृंदावन का, तो प्लीज़ उसे लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और फिर मैं अभी उसके बाद ये वाली वीडियो डाल रहा हूँ मैं बाइक चैन क्लीन के, एंड अब जब मैं कुछ दूसरे टूर पे जाऊंगा तो बताऊंगा मैं आपके कहाँ पे जा रहा हूँ। तो मिलते हैं फिर नए दूसरे शहर में, नई सिटी में, नए शहर में, नए अंदाज के साथ। बाय बाय, सी या।